सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस 396 में है। पहली तिमाही के नतीजों की बात करेंगे 2024-2025 के। दोस्तों जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो पिछले एक साल का रिटर्न हो गया है 96% का, दुगना रिटर्न दिया है एनटीपीसी ने भी। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंच गया, 400 के आसपास जो हाई बना लिया एनटीपीसी ने, 399.50 रुपये का बना लिया दोस्तों, 199.50 रुपये इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है एनटीपीसी में, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब पहली तिमाही के नतीजों की बात करते हैं। Q1 का जो बिजनेस का अपडेट आया है, Q1 का जो रिजल्ट का अपडेट आया है 2024-2025 का, उसकी बात कर लेते हैं। जो परफॉर्मेंस होगी उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कारोबार करेगा दोस्तों। अब दोस्तों अपडेट की बात कर लेते हैं, Q1 का जो बिजनेस का अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये अपडेट आया है और कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और उस बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम आया है तो उसमें सबसे पहले जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट मई के महीने में किया था, रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं था। 3.25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 7 अगस्त 2024, एक्स डेट भी 7 अगस्त 2024 होगी, बुधवार होगा उस दिन, वेनसडे होगा। इससे पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। तो रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त 2024, एक्स डेट 7 अगस्त 2024, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका जो पेमेंट का अपडेट है दोस्तों, 11 सितंबर 2024 तक पे आउट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 30 जून 2024 का। इसमें इनकम का जो अपडेट आया है 48,520 करोड़ का है और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम 48,981 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 48,816 करोड़ का था और एक साल पहले 43,390 करोड़ का था। ये टोटल इनकम है तो सालाना ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी नंबर्स बढ़ कर आए दोस्तों। 48,981 करोड़ का टोटल इनकम है एनटीपीसी का। और जो एक्सपेंसेस का जो अपडेट आया है 41,844 करोड़ का है और टोटल इनकम है 48,981 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5,506 करोड़ का है और 6,490 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था और एक साल पहले 4,907 करोड़ का था। तो सालाना मुनाफा बढ़कर आया है, प्रॉफिट बढ़कर आया है। क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम रहा है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 5,397 करोड़ का है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, और अर्निंग पर शेयर हो गया है 5.65 का है, 6.36 का इससे पहले क्वार्टर में था, 5.03 का साल भर पहले था। अब बात करते हैं मार्केट कैप की बात करते हैं, 3,62,219 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 165 का, डिविडेंड ईल्ड 2.07% का है, ईपीएस है 21 का, आरओई है 12 का और पी रेशियो है 17 का दोस्तों। तो देखिए इसका जो बुक वैल्यू है 165 का है, स्टॉक अभी 400 के आसपास ही पहुंचा है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न 96% का हो गया है। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जब जब इसमें गिरावट आ रही है तो इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है टेक्निकली दोस्तों। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 400 का है, 400 को ब्रेक करता है तो स्टॉक और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी की है होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए एनटीपीसी को। और स्टॉक में गिरावट होती है तो जो निवेशक पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो एनटीपीसी को देख सकते हैं दोस्तों। और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को, ये अलग कमाई होती है, गारंटी कमाई होती है। पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड दोस्तों। तो आपने नतीजे देख लिए हैं, बिजनेस देख लिया है, Q1 का Q1 के रिजल्ट देख लिए हैं और डिविडेंड का अपडेट डिटेल देख लिया है और शेयर प्राइस है 396 में। और जिनके पास कम समय है, स्टॉक टॉप में ही कारोबार कर रहे हैं तो अपना डिसीजन करें क्या करना है एनटीपीसी लिमिटेड में। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को एक तरह से होल्ड करना चाहिए और अपना भी एक व्यू रखें एनटीपीसी लिमिटेड में क्या करना है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है दोस्तों। तो ये एनटीपीसी का लेटेस्ट अपडेट है।